जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर के झालाना में राह चलते युवक पर फायरिंग की गई है। राहगीर इंद्र को दो गोलियां लगी हैं, ये जानकारी मिल रही है। बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग की। बड़ी खबर है, जयपुर के झालाना में राह चलते युवक पर फायरिंग हुई है। राहगीर इंद्र नाम बताया जा रहा है, जिसको दो गोलियां लगी हैं और बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पर आते हैं। वारदात को अंजाम उन्होंने दिया है। पुलिस ने पीछा कर एक बदमाश को दबोच लिया है, कहा जा रहा है। बाइक भी बरामद कर ली गई है। ऋषि नाम बताया जा रहा है आरोपी का। दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। उधर घायल को भिजवाया गया अस्पताल। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उससे लगातार पूछताछ हो रही है। और ये कौन थे, किस मकसद से ये फायरिंग की गई थी, कोई आपसी रंजिश थी, कौन लोग थे, इसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके आधार पर पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएगा। एक राहगीर को गोली लगी है, वहां पर आप सोचिए कि खुलेआम किस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर के ये हाल हो गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति आप समझिए। राजधानी जयपुर में खुलेआम बदमाश आते हैं, आरोपी आते हैं, बाइक पर सवार होकर फायरिंग करते हैं और फिर भागने की कोशिश। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और एक आरोपी को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसको पकड़ लिया गया, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। और जो दूसरा आरोपी वहां से भाग निकला है, उस तक पहुंचने के लिए भी पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिल्कुल भी डर बाकी नहीं रह गया है पुलिस का। राजधानी में किस तरीके से बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तुरंत पूछताछ शुरू कर दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि युवक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिसको दो गोलियां लगी हैं, उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है राजधानी जयपुर में, और इसका इकबाल, पुलिस का इकबाल, कानून का इकबाल कहाँ बाकी रह गया है। क्योंकि राजधानी जयपुर में एक के बाद कई वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। उसी फहरिस्त में ये ताज़ा खबर है जयपुर के झालाना से, जहाँ पर खुलेआम बदमाश आते हैं बाइक पर सवार होकर, युवक पर फायरिंग और उसके बाद मौके से भागने की कोशिश, एक दबोच लिया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्य, क्या जानकारी आपके पास? अभी तक दूसरे की गिरफ्तारी हो नहीं पाई है और किस वजह से ये फायरिंग हुई? पर देखिए, जो व्यक्ति जिसकी गोली लगी है वो आत्मनपराधी है, एचएस है और जालना डोंगरी इलाके में वांटेड चल रहा था, जिसके ऊपर दो युवकों ने फायरिंग की। बाइक सवार बदमाश आए थे, उसके ऊपर फायरिंग करने के बाद में दोनों ने फरार होने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में लोगों ने पीछा किया उसके और एक युवक को पकड़ लिया। फिलहाल एक युवक हिरासत में है, उसको पूछताछ की जा रही है, पूरा निर्देश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी होकर पहुंच चुकी है और जो आरोपी उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन जो घायल युवक है उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, यानी कि वो बचने के काबिल नहीं है। दो से तीन गोलियां उसके पेट में लगी है, माना जा रहा है कि वो शायद मुश्किल ही बच पाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस के अधिकारी पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखी है। दीपा, बिल्कुल सत्य, आपने कहा कि हालत नाजुक उसकी बनी हुई है, लेकिन आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।